उत्तर प्रदेश के रामपुर जिला अस्पताल में बड़ा हादसा होते होते टला। दरअसल रामपुर जिला अस्पताल के पंप हाउस से क्लोरीन गैस रिसाव होने की वजह से मरीजों में हड़कंप मच गया, जिसके बाद आला अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को समय रहते संभाल लिया और बड़ी दुर्घटना होने से बच गई। जिला अस्पताल में उस वक्त भगदड़ मच गया जब क्लोरीन गैस रिसाव के मरीजों को पता चला, जिसके बाद आनंद फानन में मरीजों को गैस की चपेट में आने से बचाते हुए दूर ले जाया गया। वहीं आला अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को काबू में किया। बाहर से मतलब खिड़की द्वार आई थी, हमने सोचा मतलब जैसे पोछ लगाते हैं मतलब उसका तेजाब डाल कर उसकी आई होगी, जब देखा तो हलचल एकदम मची थी, तो हम मॉम को लेकर पकड़ के गोदी भरती थी खींच के बाजी थी, स्ट्रेचर भी नहीं मिल पाई थी सीधे। अस्पताल कर्मचारियों द्वारा जब देखा गया तो पता चला आइसोलेशन वार्ड के पास लगे गैस पंप से भारी मात्रा में क्लोरीन गैस का रिसाव हो रहा था, जिसे देखकर कर्मचारी हक्का बक्का रह गए। आनंद फानन में अस्पताल प्रशासन ने मरीजों को जल्द से जल्द सुरक्षित निकालना शुरू कर दिया। सूचना पर मौके पर पुलिस प्रशासन भी पहुंच गई थी, साथ ही मौके पर आला अधिकारी पहुंचे थे। उन्होंने बताया अगर बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन में गैस होती है तो घातक साबित हो सकती है, मामले की जांच की जा रही है। साथ ही उन्होंने माना कि एक बड़ी दुर्घटना होते होते रह गई। रामपुर से बाबर खान की रिपोर्ट, एनीवन न्यूज़।